सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संस्कार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो अपनी आँख से एक आंसू गिरा कर देखो, कितने लोग इसे पोछने के लिए आते हैं। आज का पंचांग 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:49 से 11:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज कोई प्लान बनाएं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको शायद ध्यान देने की जरूरत है। अपने जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कला या संगीत के प्रति अपना उत्साह साझा करें। आज आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय है। यह ताकत और आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से अपनी वास्तविक क्षमताओं को बढ़ा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने मन का विकास करें और उस पर नियंत्रण रखें, इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं सुलझने से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियां रहेगी, आप आत्मविश्वास से उनको सुलझा लेंगे। नए काम की शुरुआत करने से पहले परिणाम को ध्यान में रखकर योजना बनाने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर नए काम आपके द्वारा शुरू किए जा सकते हैं। लोगों का साथ प्राप्त होता रहेगा, फिर भी अकेले काम करना आप पसंद करेंगे। लेन देन करते समय रिस्क ना लें। पार्टनर का आपके लिए आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर में भारीपन भी हो सकता है। सावधानियां, घर में रिश्तेदारों के आने से आपके कामों में रुकावटें आ सकती है। विद्यार्थियों को कंपटीशन में और संभल कर रहने की जरूरत है। फालतू कामों में ध्यान ना दें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। आपकी सोच के कारण आप सहयोगियों, पड़ोसियों और अपनी शिक्षकों के बीच तारीफ का पात्र बन सकती है। इसके साथ ही अपने पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ मिलकर किसी यात्रा की योजना बनाएं और किसी रोमांटिक सैर पर निकल जाएं, है ना शानदार। आपके लिए यह समय सबसे बढ़िया है। आज आप खुद का ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब अपने कार्यों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय उचित नहीं है, इसलिए उन कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपके अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बैंकिंग पेशेवर वालों के लिए आज के दिन हानि वाला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। पिता या शिक्षकों पर आए संकट आपको भी प्रभावित करेगा और आपकी कोई खास यात्रा रद्द हो सकती है। आज केवल अपने बारे में सोचें। आत्मनिर्भरता के लिए यह अच्छा समय है। आज किसी नई या बड़ी परियोजना की शुरुआत ना करें और आप थोड़ा चिंतित भी महसूस कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा तनाव और थकान का नकारात्मक असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। अपने पर ज्यादा कार्यभार ना लें। सिर में भारीपन भी हो सकता है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा, और भगवान शनि देव को नीले फूल अर्पित करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।